यहाँ आएंगे और आपको किसी किरदार में अपने आप को ढालना है तो ये देखिए सारे किरदारों के कॉस्ट्यूम है। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर है, डिस्को डांसर है, यहाँ महाराजा अकबर का भी ड्रेस है और बच्चों के सबसे फेवरेट ये देखिए सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन सभी प्रकार के ड्रेसेस मौजूद हैं। बाल शिव का ड्रेस है क्या? बाल शिव तो नहीं है लेकिन बाल अकबर ज़रूर यहाँ पर बैठे हैं, देखिए इस कुर्सी पर। हेलो, तो बाल अकबर को और बाल जोधा को तो आपने देख लिया, अब आपको लिए चलते हैं बाल शिव के पास। अपने प्रेम को पाने के लिए सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवी देवता भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अपना प्रेम मिल जाए। अब देवी पार्वती को ही देख लीजिए जो अकेले कैलाश में अपने शिव का इंतजार कर रही हैं। इसीलिए आज माँ पार्वती खुद का सोलह श्रृंगार कर रही हैं। बाल शिव में एक नई गाथा शुरू हो गई है। अब तक आप लोग बाल शिव की कहानी का आनंद ले रहे थे लेकिन अब बाल पार्वती की झलक भी आपको देखने मिलेगी। तभी तो देखिए माँ पार्वती के साथ उनका बाल स्वरूप भी मौजूद है। मैं, ये मेरा रूप है, मेरा छोटा रूप है, तो अगर ये आ रही हैं तो मैं इनके साथ शूट नहीं करूँगी पर जो मैं करती थी अब वो ये करेंगी। तो अभी तक आप बाल शिव को देख रहे थे, अब पार्वती बन गई हैं और अब आप उनकी लीला देखेंगे। दोनों की वेशभूषा एक जैसी है और दोनों ने आभूषण भी एक जैसे ही धारण किए हैं क्योंकि बाल शिव को पाने के लिए माँ पार्वती धरती पर कात्यायनी रूप धारण करने वाली हैं। हमारे शो में चल रहा था कि पार्वती ने हर तरह की कोशिश की जिनसे उनके बाल शिव बड़े शिव में परिवर्तित हो जाएं और वापस उनके पास कैलाश आ जाएं। अब जिस उद्देश्य से कात्यायनी का जन्म होता है वो ये रीज़न है कि वो महिषासुर नाम के जो असुर हैं उनको मारने के लिए पैदा होती हैं। अगर हम स्टोरी वाइज भी जाएं तो उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। ऋषि कात्यायन के इनके पापा हैं जहाँ पे इनका जन्म हुआ है और यही रीज़न है जिनकी वजह से ये आ रही हैं और ये मेरा छोटा रूप है और ये बहुत प्यारी है, हम स्माइल करेंगे। माँ पार्वती और उनके बाल रूप के दर्शन तो आपने कर ही लिए लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी भी देख लीजिए जहाँ शिव्या और इस छोटी सी नन्ही सी पार्वती की बॉन्डिंग बहुत ही खूब है। ये दोनों प्रोमो में भले ही एक ही फ्रेम में ना हो लेकिन बिहाइंड द सीन इन दोनों के बिना फ्रेम अधूरा है। तो बाल शिव की नई गाथा बहुत ही मजेदार बनने वाली है क्योंकि अब तो बाल शिव को बाल पार्वती जो मिल गई हैं तो दोनों की कहानी और रोचक होने वाली है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।